आज के दौर में सिर्फ बड़े बुजुर्ग ही नहीं, युवा वर्गों में भी बाल झड़ने की समस्या बहुत अधिक मात्रा में देखी जा रही है। बुजुर्गों के अलावा महिलाएं और कम उम्र के युवाओं को भी बाल की केयर करना आज के दौर में बहुत आवश्यक हो गई है। दरअसल हर कोई आज के दौर में हैंडसम और स्मार्ट दिखना चाहता है। अधिक उम्र होने के बावजूद बालों का रंग काला और मजबूत रखने की चाहत होती है ताकि उसकी सुंदरता बरकरार रहे। लेकिन आज के दौर में लोग कम उम्र में गंजापन या अधिक बाल झड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं। गंजेपन के कारण कोई भी व्यक्ति अपने उम्र से बड़ा दिखाई देने लगता है। चर्म एवं रजित रोग विभाग रायपुर मेकाहारा के सह प्राध्यापक डॉक्टर विनोद कोसले ने बताया कि हम अपने बालों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कौन कौन से वो टिप्स हैं जिसे अपना कर हम अपने झड़ते बालों को शुरुआती दौर में रोक सकते हैं। उनका कहना है कि हम नहाने के बाद बालों में तेल लगाते हैं, कोशिश करें कि शैम्पू करने के एक घंटे पहले ही तेल लगा लेना चाहिए। इसके अलावा बालों में तेल लगाकर बाहर नहीं निकलना चाहिए। आगे राजधानी रायपुर स्थित मेकाहारा अस्पताल के चर्म एवं रजित रोग विभाग के सह प्राध्यापक डॉक्टर विनोद कोसले ने हेयर केयर और बाल झड़ने की समस्या को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, बाल झड़ने की समस्या बहुत कॉमन है आज के समय में। आजकल पब्लिक में देखा गया कि बहुत सारे वो सैलून ट्रीटमेंट भी कराते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट कराते हैं जो कि हेयर को डैमेज करता है, तो वो एक वजह है जिससे बाल झड़ना बढ़ते हैं। इसके अलावा बहुत सारी वजह हैं, जैसे महिलाओं में आयरन डिफिशेंसी एनीमिया हो गया, थायराइड डिसऑर्डर्स हो गए, कुछ हार्मोनल इम्बेलेंस जैसे PCOD की प्रॉब्लम है, और कभी कभी कुछ इन्फेक्शन की वजह से, कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी, इन सब की वजहों से बाल बहुत झड़ते हैं। तो हमको स्पेसिफिक उस कॉज को पकड़ के उसको ट्रीट करना होता है। इन जनरल हम देखें तो किस तरह से हम बालों के झड़ने को बचा सकते हैं, तो हम कोशिश करें कि जैसे हम बालों में बहुत ज़्यादा तेल लगाते हैं, तो कोशिश करें कि आप जब भी बालों में तेल लगाते हैं तो वो शैम्पू करने के एक घंटे पहले ही तेल लगाएं। आप ज़्यादा तेल लगा के बाहर ना निकलें। आप जितना ज़्यादा तेल लगाएंगे वो उतना आपके धूल को ग्रेस्प करेगा और उतने इन्फेक्शन डेंडर की समस्या बढ़ेगी जो कि हेयर फॉल बढ़ाएगा। तो कोशिश करें कि आप हफ्ते में दो बार ही शैम्पू करें और कम से कम तेल का उपयोग करें। हेयर ऑयल आपके लिए सिर्फ कंडीशनिंग का इफेक्ट करता है, उसके अलावा कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू या हेयर फॉल में कुछ मदद नहीं करता। इसके अलावा अपने डाइट में आप जितना ज़्यादा प्रोटीन रखेंगे उससे जल्दी हेयर्स बनेंगे और हेयर फॉल की समस्या कम होगी। इसके अलावा आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या बायोटीन के कंजम्पशन भी कर सकते हैं जिससे हेयर फॉल का इन जनरल हम ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्पेसिफिक कॉज को ट्रीट करेंगे तो हेयर फॉल इम्प्रूव होंगे।